Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो. Breeze Cement Solid Technology ले बन्छ Solid Cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शका में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन. आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है. आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से. आपकी पंक्तियां धाक एक दो पे नहीं मेरी सैकड़ों में थी और गिनती भी मेरी शहर के बड़े बड़ों में थी. दफन 6 फीट के गड्ढे में कर दिया मुझको जबकि जमीन मेरे नाम तो एकड़ों में थी. पिछला हफ्ता सिस्टर शिवानी जी ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर शिवानी जी से हुई बातचीत समय अभाव के कारण से पूरी को नहीं दिखा पाया था. आज उन बातचीत को बाकी अंश आप लोग आने दिखाने जा रहे हैं. ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर टोटली अनदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म ये क्यों? आप जब से इस तरफ झुकी उससे पहले आपकी अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरी दुनिया रही या दूसरे तरीके से आपने जिया होगा. उन फ्रेंड्स को इस लाइन में लग जाने के बाद साथ में जोड़ पाए या उनको उनसे पूर्ण रूप से कट गया? बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है उसमें अगर 5 पैसे का भी फर्क आ जाए तो हम घंटों यूज करके भी उसको बैलेंस में लेके आते हैं. लेकिन हमारी जो लाइफ अपनी जो लाइफ की बैलेंस शीट है ऑलमोस्ट डेबिट बैलेंस में चलती है और हम लोग ये समझ लेते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भगवान से या डिवाइन पावर से हमको लोन ग्रांटेड है और बैलेंस शीट इज़ इक्वल. आप क्या कहते हैं? ये एक बार अगर रिकॉर्ड हो गया कोई भी कर्म अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा रिकॉर्ड हो गया वो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो बुरा अगर रिकॉर्ड हो गया उसको डिलीट कैसे किया जा सकता है? हम इंसान जो हैं बातें बहुत कर लेते हैं पॉजिटिव थॉट्स के बारे में कि हमें पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए और दूसरों को सलाह भी बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन खुद पे अगर इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है तब हम भूल जाते हैं. हवा है हम सब जानते हैं और लेकिन दिखती नहीं, फिर भी हमें ये पता है कि वो अगर ना मिली तो हम मर जाएंगे. वैसे ही भगवान है या डिवाइन पावर है 99% लोग जानता है फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर पाता है. तो उसके साक्षात्कार का सरल तरीका क्या है? जो इमोशंस है वो इमोशंस तो इंसान के बदलते भी रहते हैं और जैसे आप कह रहे हो वो कभी भी चेंज आ सकता है उसमें एनी टाइम. इन दैट पर्टिकुलर टाइम डज द इंटेलिजेंस वर्क्स? ब्रह्मा कुमारी में जहाँ तक हमने सुना है ये सिखाया जाता है हर इंसान चाहे महिला हो या पुरुष वो भाई बहन के रूप में हैं. तो इसका मतलब क्या भगवान ब्रह्मा ने जो सृष्टि की वो व्यर्थ है या फिर यूं कहूँ ये सृष्टि चक्र व्यर्थ है? जब हम कहते हैं हर इंसान, पहली बात इंसान मीन्स आत्मा जिसने ये शरीर लिया है, तो हर आत्मा आपस में पहली बात तो मेल और फीमेल है ही नहीं. मेल और फीमेल तो उसका कॉस्ट्यूम है, अंदर आत्मा है. आत्मा है. आज आप मेल कॉस्ट्यूम में हैं, हो सकता है अपने पिछले कॉस्ट्यूम में या आपके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आप एक फीमेल कॉस्ट्यूम में हो, राइट? तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं, जेंडर तो कॉस्ट्यूम का है. कॉस्ट्यूम का. आत्मा का कोई जेंडर नहीं. तो परमात्मा तो कहता है आत्मा आत्मा भाई भाई है, भाई बहन भी नहीं है, आत्मा आत्मा है, एक परमात्मा के बच्चे हैं. तो रिलेशनशिप क्या हुआ? आत्मा आत्मा भाई भाई है. लेकिन फिर क्योंकि अब शरीर में है तो फिर रिलेशनशिप क्या हुआ? भाई और बहन है, उस परमात्मा के बच्चे हैं. हम सब कहते हैं तुम माता पिता हो, हम आपके बच्चे हैं. हम कहते हैं वसुदेव कुटुंब, हम फैमिली हैं, वन गॉड एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो हम क्या हुए फिर? तो फिर ये गृहस्थी में रह के पूर्ण ब्रह्मचर्य कैसे संभव है?
कैसे संभव है? बहुत इजी है, इट्स ओनली अ चॉइस, इसमें कुछ करना नहीं है, एक डिसीशन है, अगर वो आप करना चाहें तो, इफ़ यू अंडरस्टैंड द नीड फॉर इट एंड अंडरस्टैंड द बेनिफिट फॉर इट, करना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स वन चॉइस कि मेरी स्पिरिचुअल पावर मुझे बढ़ानी है और कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे मेरी स्पिरिचुअल पावर घटती है। एंड ये एक ऐसा कर्म है जिसमें पावर बहुत घटती है, और इसीलिए अगर आप किसी भी सन्यासी को, तपस्वी को देखेंगे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मार्ग चूज किया था कि उन्हें अपनी आत्मिक शक्ति को क्या कराना है, बढ़ाना है। तो अगर आत्मिक शक्ति को एक तरफ से बढ़ाना है तो दूसरी तरफ से घटा नहीं सकते, अदरवाइज वील बी गेटिंग नो वेयर, वील बी हेयर। तो ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, इनफैक्ट ये फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन होता है अगर हमें उस रास्ते जाना है जहाँ आत्मा की ताकत को बढ़ाना है। और आत्मा की जो अभी आपने बात कही कि आत्मा चोला बदलती है, कॉस्ट्यूम बदलती है, तो अगर परंपरागत रूप से हम बात करें, पॉपुलेशन एवरी डे इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं, टुकड़े हो रहे हैं उसके? नो, टुकड़े नहीं हो रहे हैं। परमात्मा ने कहा, जैसे हम सब याद करते हैं कि मुक्ति धाम है, हम कहते हैं ना मुक्ति चाहिए, मतलब कोई जगह है जहां हम जाना चाहते हैं, मुक्ति चाहिए, उस जगह को हम मुक्ति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, अमर लोक कहते हैं, बहुत सारे नामों से उसको पुकारते हैं। तो परमात्मा ने कहा ये मनुष्य सृष्टि जहां हम कर्म करने आते हैं, लेकिन आत्मा यहाँ कर्म करने कहाँ से आती है? वो आत्मा के घर से आती है जो इस सृष्टि के पार है, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। तो आत्मा का घर भी वही है, परमात्मा का घर भी वही है, वहाँ से आत्माएं आती रहती हैं और आती रहेंगी जब तक ये कलयुग का एंड नहीं होता। ये सृष्टि चक्र जो परमात्मा ने समझाया कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। सतयुग की पॉपुलेशन स्टार्ट हुई 9 लाख, तो जब सतयुग में 9 लाख होंगे तो बाकी 700 करोड़ समथिंग ये सब ऊपर होंगे। धीरे 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 आत्माएं आती जाएंगी, पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ती जाएगी। टुडे वी आर 700 करोड़ प्लस, ठीक है, ये कलयुग के हम टुवर्ड्स द एंडिंग है, लेकिन अभी और बढ़ती जाएंगे टिल कलयुग गोज ऑन। देन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड, जिससे क्योंकि सृष्टि परिवर्तन होके सतयुग की तरफ जाना है, तो चाहे नेचुरल कलामिटीज कहें, चाहे जो भी विधि है, चीज़ों से सफाई होती है सृष्टि की। और जब ऐसा होगा तो पॉपुलेशन फिर से घटेगी, सब आत्माएं वापस उस घर जाएंगी, क्योंकि सब आत्माएं कह रही हैं कि हमें घर जाना है, हमें मुक्ति धाम जाना है, तो हम जाएंगे सारे घर और वापस फिर आत्मा सृष्टि पर आएगी। अगेन पॉपुलेशन कम से स्टार्ट होगी, फिर धीरे 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 बढ़ेगी। सो इट मीन्स परमात्मा जो है इज प्लेइंग अ गेम? नो, व्हाई शुड ही प्ले अ गेम? एज यू सेड कि आत्माएं वहां हैं, वहां से आ रही है और यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, एक टाइम आएगा जब ये सृष्टि खत्म होगी। सृष्टि खत्म नहीं होगी, जो भी सृष्टि पॉपुलेशन खत्म होगी, यानी पॉपुलेशन भी खत्म नहीं होगी, सृष्टि परिवर्तन होगी। जैसे आप कोई गेम खेलने जाते हैं, लेट्स से आप टेनिस खेलने जाते हैं, तो आप सुबह खेलने जाएंगे तो आप फ्रेश हैं, चार्ज्ड हैं, आप 2-3-4 घंटे खेलेंगे, खेलते खेलते आप क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। यू नीड टू गो होम, फिर हमें घर जाना है वापस, फिर फ्रेश होना है, रेस्ट करना है, चार्ज होना है, अगले दिन फिर खेलने आना है। दैट्स द सेम थिंग, आत्मा यहाँ कर्म करने आती है, खेलती है थक जाती है। अभी हम थके हुए हैं इस टाइम, इसलिए हर एक कहता है घर जाना है, बिकॉज वी रीच दैट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम। तो फिर हम घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, रिचार्ज होंगे, रिलैक्स होंगे, वापस आएंगे। तो परमात्मा नहीं कर रहा है ये, हर आत्मा के अंदर उसका पाठ नूंधा हुआ है कि ये हमारा पाठ है सृष्टि चक्र के अंदर। परमात्मा का रोल तो हमें सिर्फ ज्ञान देना और शक्तियाँ देना है, पाठ और रोल हमारा अपना है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, नवरात्रि को पहिलो दिन लाई के भनिन्छ?
ऑप्शन ए घट स्थापना, ऑप्शन बी महानवमी, ऑप्शन सी सोहर श्राद्ध, ऑप्शन डी दीपावली। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्सपोर्टिन। प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजी को फ्यान हिटर, प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेता को नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव मा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो. Breeze Cement Solid Technology ले बन्छा Solid Cement. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है. अभी आपा बातचीत कर रहे हैं सिस्टर शिवानी जी से. आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा. कहा जाता है वेयर साइंस एंड्स डिवाइन पावर स्टार्ट्स. इसका मतलब क्या है? आई डोंट थिंक इट्स ट्रू. व्हाई शुड वी से वेयर साइंस एंड्स? साइंस इज नॉट गोइंग टू एंड. साइंस भी एक जर्नी है जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यूड रहती है तो कभी कभी एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाते हैं. तो वो एक अलग यात्रा है जहाँ हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, हमें रिजल्ट मिलते जाएंगे. कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है लेकिन कुछ सालों के बाद हम कहते हैं नहीं, नॉट दिस रिजल्ट, नाउ दिस रिजल्ट, विच इज़ फाइन क्योंकि हमने और एक्सपेरिमेंटेशन की उस टाइम पे. डिवाइन पावर जो है वो है परमात्मा की शक्ति. वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रही, वो तो सत्य है, परफेक्ट है, ऑलमाइटी है. और वो जो ज्ञान हमें देते हैं वो सत्य है, परफेक्ट है, लेकिन उस ज्ञान को लेके भी हम एक्सपेरिमेंट ही करते हैं. तो एक्चुअली जो साइंस हमें एक्सपेरिमेंटेशन सिखाता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन हम स्पिरिचुअलिटी में भी यूज़ करते हैं कि ज्ञान को लें फिर उसको अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करें. आज हमें एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होगा, एक साल बाद उसी ज्ञान से हमें एक अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी. तो परमात्मा का ज्ञान एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, लेकिन हम आत्माएं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी तो चेंज होते जाते हैं. अभी आपने जो कहा कि परमात्मा का ज्ञान एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, तो क्या ये जो गुरु जितने भी हैं वो अपने शिष्यों को या आम जनता को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं कि इट्स कंप्लीट? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू. हर एक जो शेयर करेगा किसी और के साथ, वो अपना इंटरप्रिटेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने परसेप्शन के हिसाब से शेयर करेगा, विच इज़ वन स्टेज. जो सुनेंगे सामने से वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन से सुनेंगे. फिर उसके बाद वो जीवन में जाके जैसा उसको यूज़ करेंगे वो अलग एक अंडरस्टैंडिंग. तो एक महात्मा जी भी अगर ज्ञान सुना रहे हैं और 10 लोग अगर सुन रहे हैं, 10 लोग उसको यूज़ अलग अलग तरह से करेंगे, राइट? तो इसमें हम ये कभी भी क्वेश्चन मार्क किसी आत्मा के ऊपर नहीं करते हैं. उनका इंटेंशन बहुत प्योर है टू शो द राइट वे ऑफ लिविंग टू पीपल, लेकिन हर एक का तरीका तो अपना होगा ना, जो ऐसा उनको सही लगेगा. जैसे इवन इन वन हाउस पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, माँ एक तरह से जीने के लिए कहेगी लेकिन कई बार उसी सिचुएशन में फादर एक अलग तरह से जीने के लिए कहेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों के सोच में फर्क, राइट एंड इंटरप्रिटेशंस दोनों की फर्क है, लेकिन दोनों का इंटेंशन बच्चे के लिए अच्छा है. दोनों जो कहेंगे वो बच्चे के अच्छे के लिए कहेंगे, लेकिन दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं. इसी तरह आज हमें इतने सारे संत आत्माएं, महात्माएं जो ज्ञान सुना रहे हैं, इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन हर एक की सोच में तो फर्क होगा. तो सोच फर्क होगा, इंटरप्रिटेशन फर्क होगी, थोड़ा 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 वेरिएशन तो आएगा ही उसके अंदर. फिर तो ये भी कह सकते हैं जो लेने वाला है उस ज्ञान को, जो देने वाला है वो भी अलग अलग देता है और लेने वाले की भी लेने वाला जो है वो तो अलग अलग लेता ही है. लेकिन ये सब जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो मनुष्य आत्माओं से ले रहे हैं. संत आत्माएं हैं, महात्माएं हैं,
आत्माएं हैं, लेकिन कलयुग के एंड का वो समय है जब हमें डायरेक्ट परमात्मा से ज्ञान लेना है। ब्रह्मा कुमारी में आप लोग सभी बातों को अटैचमेंट और डिटैचमेंट से जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? डिटैचमेंट मतलब आप इमोशनली अगर किसी से अटैच्ड होंगे तो आपकी मन की स्थिति फ्लक्चुएट होती रहेगी, आप स्टेबल नहीं रह सकते। जब आपकी मन की स्थिति फ्लक्चुएट होगी तो आपकी खुशी, आपकी शक्ति, आपका प्यार सब कुछ फ्लक्चुएट होगा। लेकिन अगर आप डिटैच्ड हैं, मतलब आप इमोशनली जुड़े नहीं हुए किसी से, फॉर एग्जांपल जब फिजिकली दो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, जैसे किसी के दो पैर जुड़े हुए हैं, अब क्या होगा, इन दोनों के पास इंडिपेंडेंस नहीं है, उठना है तो इकट्ठे उठना है, बैठना है तो इकट्ठे, चलना है तो इकट्ठे। अब उनकी सर्जरी हो जाए तो वो डिटैच्ड हो गए फिजिकली, राइट? अब फिजिकली डिटैच्ड होके उनकी जीवन में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अपनी चॉइस से उठ बैठ चल सकते हैं। अब इसको इमोशनल लेवल पर देखते हैं कि एक फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कहते हैं हम अटैच्ड हैं। तो अटैच्ड है मतलब माय माइंड एंड दैट माइंड इज अटैच्ड, ठीक है? तो एक उदास होगा तो मैं भी उदास हो जाऊंगी, एक परेशान होगा तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी। तो मेरा जो रोल है अपनी फैमिली को प्रॉब्लम से निकालना, दर्द से निकालना, एम्पावर करना, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि जब वो उदास तो मैं भी उदास। अब स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हमें पावर देता है कि अगर वो उदास मैं स्टेबल, अगर वो परेशान तो मैं शांत। ये करने से फर्स्ट आई विल रिमेन काम एंड दिस पावर विल हेल्प देम टू कम आउट ऑफ देयर पेन। तो जब हम डिटैच्ड होते हैं, मतलब अगर आपके मन की स्थिति फ्लक्चुएट हो तो मेरी होगी नहीं, जरूरी नहीं होगी। दैट इज डिटैचमेंट। अगर हो रही है थोड़ी भी तो अभी भी अटैचमेंट है, बाकी है। ये करने से हम भी स्टेबल रहते हैं और दूसरे को स्टेबल होने का सहयोग देते हैं। आजकल हमारे पास कई बार फैमिलीज आती हैं कि घर में किसी एक को डिप्रेशन है, सपोज बच्चे को डिप्रेशन है, तो पेरेंट्स के लिए इशू ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा हो जाता है वो। तो अगर उनसे कहा जाए कि आप घर के माहौल को लाइट रखें, खुश रहें, यू नो मेक द, दे से हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हमारे बच्चे को डिप्रेशन है। लेकिन उस बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, देर से हम नहीं रह सकते। तो ये करने से क्या होगा, खुद भी डिप्रेशन के नज़दीक चले जाएंगे एंड जो बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालना था कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इमोशंस अटैच्ड हैं। अगर डिटैच्ड होंगे तो बच्चे को डिप्रेशन है, पेरेंट्स अपने आप को लाइट हैप्पी रखेंगे, घर का वातावरण डिफरेंट होगा, बच्चे को भी उस दुख से बाहर निकालेंगे। तो दैट इज डिटैचमेंट, दिस विल मेक अस अ बेटर पेरेंट। लोगों को डिटैचमेंट का मीनिंग राइट नहीं है, तो वो समझते हैं डिटैचमेंट मतलब वैराग्य, दूर हो जाएंगे, कटे कटे रहेंगे। डिटैचमेंट मतलब आप और ज़्यादा प्यार करेंगे, आप और ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे, क्योंकि आपका अपना ईगो वो ख़त्म होने लगेगा। तो पहले हम हर्ट हो जाते थे, अगर मेरी आपसे अटैचमेंट है तो आपका एक वर्ड मुझे हर्ट कर देगा, क्योंकि अटैचमेंट है, तो जैसे ही वो होगा तो रिश्ता बिगड़ेगा। लेकिन अगर डिटैचमेंट है तो आप कुछ कहेंगे, मैं हर्ट नहीं होंगी, फॉरगिव इजीली कर दूंगी, रिश्ता बेटर हो जाएगा। तो डिटैचमेंट ऑलवेज मेक्स रिलेशनशिप्स बेटर। अगर तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि जो भौतिक दुनिया में जो जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, दोज आर नॉट परमानेंट। परमानेंट इन व्हाट वे? इन एनी वे, मतलब किसी भी रिलेशन, जैसे चाहे हस्बैंड वाइफ का हो या माँ बेटे का हो या पिता का हो, किसी से किसी का भी हो, इस भौतिक दुनिया में जो रिलेशन है, दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म वन। शॉर्ट टर्म बिकॉज जब तक हम इस कॉस्ट्यूम में हैं तभी वो रिश्ता है। इम्पोर्टेंट ये है उस रिश्ते की क्वालिटी फ्लक्चुएट ना हो, अगर हो तो इट ओनली गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर। रिश्ता मीन्स दो आत्माओं के बीच एनर्जी एक्सचेंज, क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स, क्या वाइब्रेशंस एक्सचेंज हो रही है। रिश्ता डजंट मीन लेबल के पेरेंट चाइल्ड हस्बैंड वाइफ, रिश्ता मीन्स ये आत्मा और ये आत्मा के एक दूसरे के बीच एनर्जी एक्सचेंज क्या है, दैट इज अ रिलेशनशिप। अब जाते जाते हमारे नेपाल के दर्शकों को
आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक नेपाल ने और यहाँ के रहने वाले सभी आत्माओं ने पिछले कुछ महीनों में बहुत दर्द देखा है. बाह्य रीति से अगर हम देखते हैं तो थिंग्स अपीयर टू बी नॉर्मल, कि चीज़ें ठीक हैं, मकान ठीक हैं, स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, पीपल आर बैक टू नॉर्मल लाइफ. लेकिन आत्मा के घाव को अगर हम देखें कि जो आत्माएं उस समय अफेक्टेड हुई, किसी ने कुछ खोया, किसी ने परिवार खोया, किसी के शरीर पर चोट लगी, तो बाह्य रीति से हमें लगेगा शहर या देश बैक टू नॉर्मल है, लेकिन आत्मा की जो चोट होती है वो बैक टू नॉर्मल नहीं आती है इतनी जल्दी. तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कलेक्टिवली हर रोज़ थोड़ा सा समय निकाल कर प्यार, सुख और शक्ति की वाइब्रेशंस हर आत्मा को दें. दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव मेडिटेशन. अगर हम सब मिलकर 5 मिनट के लिए भी, सिर्फ 5 मिनट्स मॉर्निंग में मेडिटेशन में बैठें, परमात्मा से शक्ति लें और इमर्ज करें कि हम इस देश की हर आत्मा को, स्पेशली जो आत्माएं दर्द में गई हैं उस समय और अभी भी दर्द में हैं, उन आत्माओं को इमर्ज करके उन्हें परमात्मा की वो शक्ति और शांति और प्यार दें, देन वी विल कलेक्टिवली बी वर्किंग टूवर्ड्स हीलिंग द सोसाइटी बैक टू नॉर्मल. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच. दर्शकवृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था सिस्टर शिवानी जी से. आप लोग इना की बातचीत सुनिया और इन बातचीत पर जरूर से गौर करोगा. इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार. गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 जारी गर्न तोकिएको मिति कुन हो? अप्सन ए असोज 3 गते, अप्सन बी असोज 4 गते, अप्सन सी भाद्र 30 गते र अप्सन डी भाद्र 31 गते. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए असोज 3 गते. दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 9847-16-13-39, 9862-93-09-24, 9805-32-87-96, 9841-36-63-43, 9841-69-75-01. बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँ मा सम्पर्क राख्नु होला. मोबाइल नम्बर 9849-23804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नवरात्रीको पहिलो दिनलाई के भनिन्छ? अप्सन ए घट स्थापना, अप्सन बी महानवमी, अप्सन सी सोह्र श्राद्ध, अप्सन डी दीपावली. दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार. प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्सपोर्टिन, प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजी को फ्यान हिटर, प्रत्येक महिना 1 जनालाई विजेता को नाम आउँदो शनिवार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव मा घोषणा गरिनेछ. आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही. अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा. तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इस कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह, सुझाव, प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849-23804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalayatv.com पर. और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो. और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो. और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो. नमस्कार.